नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी की वैसे तो कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, लेकिन पोंगल के मौके पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर कुछ गायों को चारा खिला रहे हैं और उन्हें दुलार पुचकार रहे हैं। पीएम मोदी की इस तस्वीर को सभी ने देखा, उसकी सराहना की और सभी को यह पता है कि किस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी गायों को चारा खिला रहे थे। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन गायों को पीएम मोदी चारा खिला रहे थे, उन्हें प्यार कर रहे थे, वे किस नस्ल की गाय हैं, उनकी ऐतिहासिक महत्ता क्या है, पौराणिक ग्रंथों में उनका जिक्र कैसे किया गया है, ये गाय किन राज्यों में पाई जाती हैं, इनकी लंबाई कितनी होती है, मार्केट में इनकी कीमत क्या है और इन गायों की खासियत क्या है, इस नस्ल की गाय से जुड़ी तमाम जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। लेकिन इसे अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए अब आपको इस खास नस्ल की गाय के बारे में तफसील से बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इन गायों को पुंगनूर नस्ल की गाय कहा जाता है। ये दुनिया में सबसे छोटी आकार की गाय होती है। इनका दूध अमृत से कम नहीं होता। कहा जाता है कि पुंगनूर गाय का वजूद वैदिक काल से ही है। महर्षि विश्वामित्र के साथ पुंगनूर गाय की पौराणिक गाथा जुड़ी हुई है। ये पूरी दुनिया में सबसे महंगी गाय है। इनकी लंबाई आमतौर पर 3 से 5 फीट की होती है। ये गाय मुख्य तौर पर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पाई जाती हैं। इस नस्ल के गाय को मदर ऑफ ऑल काउज के रूप में भी जाना जाता है। इस गाय का इस्तेमाल हिंदू में धार्मिक अनुष्ठानों विधि विधानों के लिए भी किया जाता है। हालांकि देश भर में पुंगनूर गाय की संख्या बहुत कम है और इसे संरक्षण देने के लिए सरकारी स्तर पर भी काम किया जा रहा है। और आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही हवे में कुछ भी नहीं करते। वे जो भी करते हैं उसके पीछे एक खास मकसद होता है, एक खास कारण होता है। बात चाहे लक्षद्वीप में फोटो खिंचवाने की हो या फिर पुंगनूर गायों को चारा खिलाने की। भले ही उनके विरोधी लक्षद्वीप की तस्वीरों पर उनकी आलोचना की हो और पीएम मोदी को फोटो शूट करा रहे हैं ऐसा बोल करके उनकी आलोचना की हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लक्षद्वीप जाने और वहां फोटो खिंचाने का असल मकसद वहां के पर्यटन को बढ़ावा देना था। जैसा कि आपको पता है कि मालदीव के साथ फिलहाल भारत के रिश्ते कैसे चल रहे हैं, ठीक वैसे ही पुंगनूर गायों के साथ तस्वीर निकलवाने के पीछे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। क्योंकि इस नस्ल की गाय विलुप्त हो रही हैं और इनके संरक्षण के लिए कई राज्यों की सरकारें आगे आई हैं। चलिए अब आपको इस गाय की कुछ खासियत भी बता देते हैं। इस गाय की लंबाई 3 से 5 फीट तक ऊंची होती है। इनका वजन 150 से 200 किलो तक होता है। इनके पूंछ काफी लंबी होती है। इनके कान बाहर और पीछे की तरफ खड़े होते हैं। इनके कमर के हिस्से में छोटा सा कर्व होता है। इस गाय की कीमत 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक होती है। देश भर में इन गायों की संख्या महज 300 से 500 तक ही है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इस नस्ल की गाय का महत्व क्या है और प्रधानमंत्री मोदी ने पोंगल के अवसर पर इन्हीं गायों को चारा क्यों खिलाया और उनकी तस्वीर क्यों वायरल हो रही है। वैसे आप इन गायों के बारे में क्या कुछ जानते हैं? क्या आप भी इन गायों की खासियत के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।